ट्यूटोरियल लेटर में मैं गोविंद साहू आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल में उनसे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से एरिया रिलेटेड में फार्मूला होगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, और सारे फार्मूला के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम उस फार्मूला से रिलेटेड जो कुछ कठिन क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला जो प्रश्न होगा, सपोज एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और उसका रेडियस दे दिया और एक क्वाड्रेंट दे दिया हुआ, तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान लो उसी में हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन यदि हम बनाएं तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे एक हार से 14 मीटर रोप से बंधा हुआ और एक स्क्वायर फील्ड है, वो कितना एरिया और उस स्क्वायर के इस कॉर्नर पर बंधा हुआ वो कितना ग्रॉस ग्रेज कर सकता है वो हार्स, उसमें एक एरिया ऑफ सेक्टर ही निकलेगा। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो रस्सी होगा यानी रोप होगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 मीटर। और यहाँ पर जैसे हम देखेंगे इस तरीके से हम उसका एक डायग्राम बना सकते हैं। ये स्क्वायर शेप का एक फील्ड है और इस फील्ड में ग्रॉस लगा हुआ। अब यहाँ से एक कॉर्नर पर ये बंधा हुआ और इस तरीके से ये इसका एक क्वाड्रेंट हो जाएगा 14 मीटर। ये 14 मीटर इसका क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। अभी कितना फील्ड का ग्रॉस ग्रेज कर सकता ये एरिया हमको फाइंड करना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यह एक क्या होगा, सेक्टर होगा, एक एंगल भी यहाँ पर एक क्वाड्रेंट दिया हुआ। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता, तो यहाँ पर हम देखेंगे थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकाले, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला लिखे थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू अपन पुट ऑफ कर देंगे, थीटा की वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू हो गया 14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 14 का होल स्क्वायर है, इट मींस यहाँ से 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब यहाँ से इसको अपन कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल होगा 91 जा 94 जा 4 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए 7 1 जा 7 2 जा और यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा और 2 11 जा, ये अपना बचा। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 11 इंटू 14 और ये हो जाएगा 44 और ये 154 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो एरिया ग्रेस करेगा वो होगा 154 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि इसका लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। सपोज इसमें लेंथ ऑफ आर्क भी यदि निकालना होगा तो लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क यदि हमको निकालना होगा तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क ये होगा थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होगा और यहाँ पर सेम वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे, तो 90 अपॉन 360 इनटू 2 22/7 इनटू ये हो जाएगा 14। अब इस तरीके से हम देखें तो यहाँ से 91 जा 94 जा 360
अरे होगा 7 1 जा 7 2 जा 14। अब यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 22 मीटर। ये 22 मीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा और लेंथ ऑफ आर्क को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए हमको फार्मूला इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और फार्मूला यदि हमको पता तब हम ये सारा चीज निकाल सकते हैं। अब कुछ अलग प्रश्न के बारे में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फिगर दिया हुआ, उसके सारे वैल्यू दिए हुए हैं, तो उस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डायग्राम भी दिया रहेगा, उस डायग्राम में शेडिंग पोर्शन रहेगा और शेडिंग पोर्शन के बाद जो जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो यहाँ पर एक सर्किल दिया हुआ ये इस तरीके से, और एक सेम सेंटर पर एक दूसरा सर्किल है इस तरीके से, और यहाँ पर ये इस तरीके से सेक्टर बना हुआ, ये सेक्टर बना हुआ, और हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया निकालना है। इस पोर्शन का, और इसमें ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया 30 डिग्री, और इसका रेडियस दे दिया है सपोज 7 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर हमको इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बड़े सेक्टर को देखेंगे और एक छोटे सेक्टर को देखेंगे। बड़े सेक्टर का एरिया निकल जाता और छोटे एरिया का सेक्टर भी निकल जाए, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया। तो यहाँ पर ये देखेंगे शेडेड पोर्शन का एरिया, ये जो होगा ये एक बड़ा सेक्टर और छोटे सेक्टर को माइनस करने पर निकल आता, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यदि हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालेंगे तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर ऑफ द सर्किल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये जो होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का हो जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अब यहाँ पर निकालेंगे, फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो इसके रेडियस को हम क्या सपोज कर लेंगे R1, इसके रेडियस को क्या सपोज कर लेंगे R2। तब यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपान 360, और ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वेयर माइनस थीटा अपान 360 पाई R1 का स्क्वेयर। अब इन दोनों फार्मूला में हम देखें तो दोनों फार्मूला में थीटा पाई अपान 360 कॉमन होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पाई थीटा अपान 360 R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई थीटा अपान, यहाँ पर सारे वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये होगा 22 अपान 7, ये होगा 30 अपान 360, R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये 300 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 12 जा, अब ये हो जाएगा 22 × 7/12। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपांड हो जाएगा तो 14 + 7 और 14 − 7 ये होगा, और यहाँ से हम इसको टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे
22 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 7 अपान कितना हो जाएगा ये 12। अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा और 2 2 जा 4, 2 11 जा। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जब होगा तो ये होगा 77 इंटू 49 अपॉन 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से रफली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 77 इंटू 49 63, 36 कैरी होगा, 69 9 828 2 कैरी 3, तो ये हो जाएगा इसमें 3773/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जब हम एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला इस तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। इसी तरह से हम एक दूसरे क्वेश्चन को देखें, मान लीजिए यहाँ पर एक शेप इस तरीके से बना हुआ है, ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर ये इस तरीके से ये शेप बना हुआ और इसका एरिया हमको यदि निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर दिया हुआ और यहाँ पर इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमको निकालना है, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर और ये जो सेमी सर्किल होगा, स्क्वायर और सेमी सर्किल के पोर्शन को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल निकाल के इन दोनों के यदि हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमको शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाता। तो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के सिचुएशन को देखना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ और दो सेमी सर्किल दिया हुआ है और दो सेमी सर्किल को यदि हम मिला देते हैं तो एक सर्किल बन जाएगा, तो हम वहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ये एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यदि हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा माइनस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल मिल रहा है दो सेमी सर्किल को मिलाने के बाद, तो यहाँ से साइड ऑफ द स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर, तो ये 14 स्क्वायर हो गया, पाई की वैल्यू 22/7। अब ये देखिए एडी, एडी क्या होगा, सर्किल का डायमीटर होगा, तो यहाँ पर रेडियस इसका कितना हो जाएगा 7, ये 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से ये 14 का स्क्वायर कर दिए कितना हो गया 196, 22/7 इंटू कितना हो गया 49। अब यहाँ से 7 को कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा 7 7 जा 49, अब ये हो जाएगा 196 माइनस 154, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 माइनस 4 कितना होगा 2, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा यानी 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया इस तरीके से हम फार्मूला से इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में
जो इस तरीके से सेटिंग पोजीशन का एरिया निकालना है, का दिया हुआ, उसको हम सिचुएशन को समझेंगे और सिचुएशन को समझ करके जो फार्मूला है इसमें फार्मूला इंप्लीमेंट करके हम ये सारा चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बशर्ते उसका फार्मूला हमको बहुत अच्छे से पता हो। तो इस तरीके से ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने NCERT के चैप्टर 12 के प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।